हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। विषय पर राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण। प्राकृतिक संरक्षण इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये फ्री के नंबर अपने को देखे जाता है। जैसे पर्यावरण हम सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमने देखा कि पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के बहुत सारे जीव जंतु, पर्यावरण की सजीवता, पर्यावरण की उपयोगिता हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं। प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है, प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, हम ग्रामीण परिवेश से हैं, कृषि को भी हम जानते हैं। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण, ये कहलाता है पर्यावरण। अब ज्योग्राफी में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि पर्यावरण में कौन सी चीज कहां तक है, कितनी लेयरें हैं, कहां तक ऑक्सीजन होती है, कहां तक हाइड्रोजन है, कहां तक नाइट्रोजन है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, कैसे कितनी मात्रा में है। हम भी इसमें पढ़ेंगे कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है और हमारे पर्यावरण का एरिया कहां तक है, इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, पर्यावरण होता क्या है? हमारे चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या आई कि पर्यावरण चल रहा था, मानव ने जो विकास किया है, मानव ने जो विकास किया है उससे कैसी स्थिति पैदा हो गई है? विनाश की स्थिति पैदा हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने जो गैसीय आवरण पैदा किया है, जो विलासितापूर्ण जिंदगी जीने की बात कही है, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक निकल कर आए हैं। जैसे ऑक्सीजन की कमी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ज्यादा बढ़ रहा है, कार्बन तत्व ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये पृथ्वी का दम घोटने वाली चीजें हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो हमारे पूर्वज वो प्रकृति प्रेमी थे। कैसे? अगर हम देखें तो भारत में पृथ्वी को माता के रूप में पूजा जाता है। ये बात बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे साहित्यों में लिखी गई है कि पृथ्वी या धरती माता है। भू, जिसे हमने धरा कभी कहा है, भू भी कहा है, पृथ्वी भी कहा है, धरती भी कहा है, ये हमारा वजन सहन करती है, लालन पालन करती है और एक माँ की तरह पालती है। इसीलिए पृथ्वी को हमने भारतीय दर्शन में क्या कहा है? माता कहा है। और हम पुत्र के रूप में उसकी उपासना करते हैं जिससे ये हमारा पालन पोषण करे और हम इसे पूजते भी हैं। जब माता हमने इसे माना है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी क्या हो जाती है? हमारी ही हो जाती है। सवाल यह उठता है कि पर्यावरण क्या है, पृथ्वी को हमने क्या माना है और पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि प्रकृति से हमें मिलता क्या है, फिर हम देखेंगे कि संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। यदि हम देखें प्रकृति से प्रत्येक सजीव को श्वास लेने के लिए कोई ना कोई गैस चाहिए और वो गैस कौन देती है हमें? प्रकृति ही देती है। आज एग्जांपल लें, हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में यदि कोई एडमिट होता है तो उसका चार्ज बहुत ज्यादा होता है और कहता है ऑक्सीजन दिया था हमने। आप सोच के देखें, प्रकृति हमारे पूरे आजीवन हमें ऑक्सीजन देती है तो इसका
जो किराया है इसका, जो रेंट है, वास्तव में इसका जो कर्ज है वो हम पर कितना ज्यादा है। क्योंकि हम साधारण ऑक्सीजन जब हॉस्पिटल जाते हैं और वो ऑक्सीजन यदि हम लेते हैं तो उसका कितना चार्ज हमें देना पड़ता है। लेकिन आप देखें, प्रकृति हमें आजीवन ऑक्सीजन देती है जब तक हम जीते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है। इसके बाद प्रकृति हमें भोजन, जगह और हमारी जीवन की सभी पूर्ति प्रकृति करती है। यह हमें प्रकृति से मिलता है, हमें श्वास मिलती है, हमारे जीवन यापन करने के सारे सांसारिक जो गतिविधियां हैं वो सब हम प्रकृति में ही पूरी करते हैं। प्रकृति एक रंगमंच है और इस पर प्रत्येक कैरेक्टर उतारने वाले हम सब हैं। इसमें हम लोग आए हैं प्रकृति में, तो जाना भी हमें उतना ही उसी रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जब पैदा होता है उसका वजन जितना होता है, मरने के बाद उसका जो राख होती है उसका वजन भी उतना ही होता है। इसका मतलब जितने हम लोग आए थे उतने का उतना ही चला जाता है, यानी कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस रखती है। तो ये हमने प्रकृति से लिया है और प्रकृति हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, यदि इसमें डिस्टर्बेंस हुआ तो हमारा जीवन भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बहुत सारी जगह देखा है कि विनाश लीलाएं हो रही हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण हो रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति से डिसबैलेंस की स्थिति ही है। इसके बाद अगला जो सवाल उठता है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। आप देखें, हमारे यहां जैसे ये पृथ्वी है, ये धरती माता है और ये सूरज भगवान है और ये हमारा वातावरण है। अब यहां पर आपको एक बात और सीखनी होगी, ये पृथ्वी, ये वातावरण और ये सूरज भगवान, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। ये दीर्घ तरंगे कहलाती हैं ये लघु तरंगे कहलाती हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स। इसको समझने के लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक रस्सी को हम बहुत दूर, पहले वाले जमाने में सरिये की खिड़कियां होती थी, उसको बांध सकते हैं, ग्रिल को बांध सकते हैं और लगभग 10 फिट हम लोग दूर खड़े हो सकते हैं रस्सी को बांध कर। और रस्सी में यदि हम झटका देंगे हल्का सा तो तरंगे बनेंगी दीर्घ, जो रिंकल्स बनेंगी उसमें वो बड़ी वाली बनेगी। इसका मतलब जब ताकत कम होती है तो वेव्स कौन सी होती है, लॉन्ग वेव्स होती है। लेकिन अगर हमने झटका तेजी से दिया, इतना तेजी से भी नहीं कि हाथ ही निकल जाए, तो कौन सी तरंगे बनेगी, लघु तरंगे। उसमें जो वेव्स होंगी वो छोटी होंगी जब ताकत होगी ज्यादा, और अगर ताकत कम होगी तो कौन सी तरंगे बनेगी, दीर्घ तरंगे बनेगी। तो यहां से जो वातावरण से जो किरणें आती हैं, सूरज से जो किरणें आती हैं वो कौन सी आती हैं, लघु तरंगे आती हैं। और ये लघु तरंगे वातावरण को क्रॉस कर जाती हैं, इसमें से कुछ हिस्सा धरती ऑब्जर्व कर लेती है, पेड़ पौधे हम सब लोग, और ये जो एनर्जी कम होने के बाद जो वापस आती है तरंगे, वो तरंगे कन्वर्ट हो जाती हैं दीर्घ तरंगों में। आई कौन सी थी, लघु तरंगे, वापस कौन सी गई, दीर्घ तरंगे। ऐसा नहीं कि सबकी सभी दीर्घ तरंगे कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ परसेंट ऐसा होता है। अगर सारी की सारी ऐसी हो जाती तो पृथ्वी ब्लास्टी हो जाती, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर। कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट से लॉन्ग में बदल जाती हैं और वो वातावरण को नहीं भेज पाती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ क्या बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है। अब इस CO2 को ऑब्जर्व करने की क्षमता पृथ्वी में है। यहाँ जो CO2 आई उसको हम लोग अवशोषित कर लेते हैं, पेड़ पौधों के माध्यम से कर लेते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में CO2 चाहिए, बहुत सारी जगह CO2 हमें चाहिए, तो
उसका हम उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर पेड़ पौधे भी नहीं ले पाए तो हमारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, सारी गैस अव्यवस्था में हो जाएंगी, सारी व्यवस्था अ सुचारू हो जाएगी और बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। तो पहला कारण तो ये समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, कि पृथ्वी पर लॉन्ग वेव्स आई और वो किस में बदल गई, शॉर्ट वेव्स आई और किस में बदल गई, लॉन्ग वेव में बदल गई। अब ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि। तो ये भी बहुत याद रखने लायक है कि ये सवाल आ जाए वैश्विक ताप वृद्धि क्या है, हमें सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग पता है, ये अंग्रेजी का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। वैश्विक ताप वृद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि। तो ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में है क्या, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, क्यों बढ़ रहा है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। इसके दूसरे कारण अगर हम देखें कि पर्यावरण की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे देखते हैं, त्वचा के रोग हैं, बहुत सारे केमिकल्स फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण भी हमें समस्याएं आ रही हैं। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसमें आगे देखें तो वर्तमान में हम शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं, शहरीकरण में विलासिता की जिंदगी आती है और विलासिता में हम लोग अंध औद्योगिकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, इन सब पर जोर दे रहे हैं। इसका नुकसान क्या होगा कि शहरीकरण डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसानदायक है। शहरीकरण ठीक है, लिमिट में होना चाहिए, लेकिन जो सड़कें, मॉल, अपन बहुत सारे ग्राउंड्स वगैरह ये जो बना रहे हैं, इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा जाएगा, बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे। जैसे टोंक रोड का उदाहरण देते हैं, टोंक रोड पे लाखों पेड़ काटे गए टोंक रोड को डेवलप करने के लिए, और उसका 1/4 हिस्सा भी हमने डेवलप नहीं किया है, नए पेड़ नहीं लगाए, इसीलिए बारिश का संतुलन बिगड़ेगा। शहरीकरण का सबसे बड़ा दूसरा नुकसान है बाढ़ की स्थिति। जैसे जयपुर में इसी मंथ की हम बात करें तो ऐसे हालात हो गए थे केवल 2 घंटे के बारिश में कि जयपुर डूब ही जाएगा। तो हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी का जो आउटिंग रिसोर्स सिस्टम है, वो पूरा फेल हो चुका है, क्योंकि हमने सभी जगह पक्की जमीनें कर दी, कच्ची जमीन कहीं बची नहीं। तो ऐसी स्थिति में पानी का जो ऑब्जर्वेशन है वो हो ही नहीं पाता है। तो शहरीकरण का ये दूसरा नुकसान है। तीसरा, शहरीकरण मानसिक असंतुलन को भी पैदा करता है। प्रकृति से हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ग्रीन ग्रेस है, ग्रीन ट्रीज हैं, नॉन पोल्यूटेड एयर है, बहुत सारी चीजें हैं, शांत वातावरण है, पेड़ पौधे पक्षियां हैं, तो इनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन शहरीकरण में बहुत ज्यादा वॉइस पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूटेड है, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो हमें मानसिक विकारों की तरफ लेके जाते हैं। शांति नहीं है, लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम शहरी की है, रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना, ये भी एक शहरीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है। जबकि हमें प्रकृति सिखाती है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सही होता है। सूर्य उदय से पहले अगर कोई नहीं उठता है तो उसका स्वास्थ्य 100% खराब रहेगा, ये हमारी प्रकृति, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बॉडी का वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दूसरा, शहरीकरण की सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ आ रही है वो आ रही है रहने की। हम लोग, जगह कम पड़ रही है, इंडस्ट्री लग रही है, ज्यादा बंदे हैं, ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा, इसीलिए कार्बन उत्सर्जन दर बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत सारे रोगों को हम न्योता दे रहे हैं। शहरीकरण में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है उद्योग धंधों की। उद्योग भी हमें आसपास ही चाहिए, क्योंकि उनको मॉनिटर करने वाले इंसान ही हैं, उनको कच्चा माल देने वाले भी इंसान ही हैं,
ऐसे में उद्योग धंधे हम आउटर जंगल में नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा दूर इंसान से नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में वहां से जो पॉल्यूटेड एयर आएगी वो हमारे जीवन को कष्टदायी बनाएगी। शहरीकरण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तो इंडोर फैसिलिटीज में आती हैं, जैसे घर के अंदर ही सारे काम हो गए। पहले वाले जीवन को यदि हम देखें, प्रकृति वाले जीवन को देखें, तो इंसान पैदल चलता है, बहुत सारी एनर्जी बर्न होती थी और डायबिटीज की तरफ वो नहीं जाता था। वर्तमान में पैदल चलने का सिस्टम ही बंद हो गया, जैसे ही वो नीचे उतरेगा तो लिफ्ट सिस्टम है, घर में अंदर आएगा तो लिफ्ट सिस्टम है, सारे ऑटोमेटिक चीजें हैं, बहुत सारे कार्य है जो शारीरिक श्रम से होते थे वो सारे कार्य बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही बाहर निकलता है गाड़ी तैयार है, और कहीं भी वो पैदल चलने में विश्वास नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में उसकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा फेट है वो उसे परेशान करने लगती है, कार्डियो डिजीज होने लगती हैं, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिजीज होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं शहरीकरण भी हमारे लिए घातक होता जा रहा है। वहीं गांवों की तरफ देखें, मानव फैसिलिटी कम है लेकिन प्रकृति प्रेम बहुत जबरदस्त है। वहां अगर गांवों को सही तरीके से डेवलप किया जाए जैसे अमेरिका में है, तो हमारे यहाँ शहरीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। शहरीकरण ठीक है लेकिन शहरीकरण का अंधानुकरण ठीक नहीं है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के हम इंडस्ट्रीज एरिया की बात करें, धारूढ़ा है, ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्से हैं, गाजियाबाद है, अपने जयपुर में 14 नंबर विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया है, अपने बैनाड इंडस्ट्रीज औद्योगिक एरिया जिसे झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, इन औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि यदि कोई व्हाइट शर्ट पहन के जाए और वहां सुबह से शाम आ जाए तो शर्ट का कलर आप नहीं पहचान सकते कि ये व्हाइट ही थी क्या, इतना जबरदस्त पॉल्यूटेड है। पूरी दुनिया के शहरों में प्रदूषण के मामले में जयपुर टॉप 15 में आता है। पूरे विश्व के अगर हम रैंकिंग देखें तो पॉल्यूशन शहरों में जयपुर 15 में से अपना नंबर रखता है। जयपुर के 14 नंबर वाले इलाके में एयर रहने लायक नहीं है, इतनी जबरदस्त पॉल्यूटेड एयर है। और इसका मापक 300+ है जबकि स्टैंडर्ड मापक 25 है और अमेरिका में ये 15 ही है, और हमारे यहाँ 300+ ये मापन चल रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे पॉल्यूटेड एयर को कार्बन उत्सर्जन दर से नापते हैं, ऐसे ही हम लोग पानी को यहाँ का TDS के हिसाब से नापते हैं कि कितना TDS है, कितना हम लोग पी सकते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा 300 गुना के आसपास या 200 गुना से भी ज्यादा पॉल्यूटेड एयर हमारे यहाँ है। अगर हम लोग देखें अमेरिका का स्टैंडर्ड, रशिया का स्टैंडर्ड, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज का स्टैंडर्ड, तो उनके मुकाबले तो हम कहीं टिकते ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनके मुकाबले जाना चाहते हैं, हमारी कंडीशंस अलग हैं, हमारी पॉल्यूशन की कंडीशंस अलग हैं, हमारी इंडस्ट्री की कंडीशंस अलग हैं, हमारी पॉपुलेशन की कंडीशंस अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इतना प्रयास जरूर कर सकते हैं कि जो औद्योगिकरण का अंधानुकरण हो रहा है, वास्तव में सही तरीके से जो हमने इंडस्ट्री डेवलप नहीं की है, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन दर बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमें मजबूर होकर इन्हें बंद करना पड़ेगा और फिर दूसरी जगह आश्रित होना पड़ेगा। तो इससे सबसे बड़ी समस्या आ रही है आपदा, आपातकालीन स्थितियों में हम लोग नहीं निकल पाएंगे। जैसे सांगानेर पेट्रोल पंप पे जो आग लगी थी, आयो डिपो में जो आग लगी थी, उसको हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो टोटल फेल हो चुका था और वो आग लगभग 3 से 4 दिन चली थी। तो औद्योगिकरण के जब आपातकालीन स्थितियां होती हैं तो वो बड़ी भयानक होती हैं। जैसे 14 नंबर VKI इतना जबरदस्त कंजस्टेड है और इतना जबरदस्त पॉल्यूशन के साथ साथ पब्लिक वहां रह रही है, तो सही चीज नहीं है। औद्योगिकरण होना चाहिए लेकिन उसका सेपरेटेशन पार्ट होना चाहिए, लाइफ स्टाइल से वो दूर होना चाहिए, और उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि कौन से उद्योग कितनी मात्रा में होने चाहिए। भयंकर पॉल्यूशन वाले उद्योग आबादी से बहुत ज्यादा दूर होने चाहिए ताकि उसका प्रभाव आबादी पर ना हो। इसमें मशीनरी भी बहुत जबरदस्त तरीके की होनी चाहिए जो पॉल्यूशन को कम से कम करे, हमारे यहाँ लागत मूल्य ना बढ़ जाए। इसीलिए आधुनिक मशीनरी हम लोग नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो बहुत महंगी है, विकसित देशों के पास है। ऐसे में औद्योगिकरण को सिस्टमेटिक डेवलप हमें करना होगा। फिर देखते हैं आधुनिकीकरण, हमें आधुनिकीकरण से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
जैसे जेट एयरवेज की हम बात करें, जेट प्लेन्स जो होते हैं उनकी बात करें, फाइटर प्लेन की बात करें, फ्रिज की बात करें, एसी की बात करें, तो इसमें सीएफसी ग्रुप की जो गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये उत्सर्जन होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना जबरदस्त बॉन्ड के आधार पर आता है कि सिर्फ सामान्य गैस कोई तोड़ ही नहीं पाती। इसे सामान्य कोई अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें या प्रेशर की बात करें तो इसे तोड़ नहीं सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम देखें तो सीएफसी ग्रुप इतना जबरदस्त है कि ये अगर एक बार उत्सर्जन हुआ तो ये हमारे वातावरण में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग के दरवाजे खोल देगा। हमारे यहाँ ओजोन को, परत को काटने वाला केवल और केवल कौन है? सीएफसी ग्रुप की गैसें हैं। सीएफसी ग्रुप की गैसें हमारे ओजोन की जो परत है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। इससे हमारे लिए पराबैंगनी किरणें आएंगी। सवाल आया था एक बार, सूरज से आने वाली किरणें जो हानिकारक किरणें, उन्हें क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट वेव्स, पराबैंगनी किरणें। और वो किसके माध्यम से आती हैं? ओजोन गैस के माध्यम से आती हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा वातावरण, तो यहाँ पर ओजोन गैस है और ये सूरज भगवान। इस ओजोन गैस को पार करने में पराबैंगनी किरणें सक्षम नहीं है। अल्ट्रा वायलेट वेव्स इसको पार नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो सीएफसी गैस होती है वो इसको काट देती है, ऐसे जगह जगह से काट देगी। और ये अभी जो ताजा चित्र पाया गया था 1990 के दशक में अंटार्कटिका महाद्वीप, जो बर्फ का महाद्वीप है, उस पर पाया गया है। सीएफसी गैसों ने वहां पर छिद्र बना दिया। अब ये पराबैंगनी किरणें सीधे आएंगी जो मानव के कैंसर से लेकर बहुत सारी त्वचा के रोगों के लिए जिम्मेदार होंगी। आपने देखा होगा कि अंग्रेज जब भारत में गर्मी में आते हैं तो स्किन की उनकी स्किन पे लाल लाल चिकंदे टाइप हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनके यहाँ होता है। हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी फ्रेंडली है, ये यूं कहें टेम्परेचर के अनुकूल है, इसलिए अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा यदि बढ़ेगा तो हम भी उसमें सहन नहीं कर पाएंगे। ये पराबैंगनी किरणों का ही क्या है? प्रभाव है। या पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का ही क्या है? प्रभाव है। इसमें आगे देखिए मशीनीकरण, मशीनीकरण की बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आज जो बेरोजगारी का काम हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है? मशीनीकरण की वजह से हो रहा है। मानव मानव को कंपटीशन दे रहा था, तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, रोजगार बहुत ज्यादा थे, मानव काम ही नहीं कर पाता था। मशीनीकरण ठीक है, आधुनिकता आना जरूरी है, साथ आना बढ़िया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन अच्छी चीज है, आधुनिकीकरण अच्छी चीज है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। मशीनीकरण में बहुत सारी आपदाएं भी प्राप्त हमारे यहाँ लाती हैं। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या आ रही है ई वेस्ट की। हमारे यहाँ मोबाइल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये जब वेस्ट हो जाते हैं तो इन्हें खपाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपने मूवी देखी होगी रजनीकांत की 2.0, वो इसी ई वेस्ट पर आधारित है कि हमारे यहाँ जो ई वेस्ट बनेगा, बचेगा, उसका हम क्या करेंगे, हमारे लिए इसको डिस्ट्रॉय करने के कौन से सोर्सेज हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या मशीनीकरण की आएगी। दूसरा, मशीनीकरण कंपटीशन को पैदा करता है, कहीं ना कहीं इतना भयंकर कंपटीशन हो जाएगा कि जो उत्पादन लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आम गरीब आदमी और कुटीर उद्योग सीधे बाहर हो जाते हैं। जैसे बड़े उद्योग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उनकी लागत मूल्य बहुत कम आती है, और कुटीर उद्योग बिल्कुल सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की भावना लेकर आती है, धनाढ्य व्यक्तियों की दादागिरी लेकर आता है। फिर मशीनीकरण का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि मशीनीकरण बहुत बड़े जो उद्योग हैं वो अपने तानाशाही साथ में लेकर आते हैं, अपने प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ा देते हैं। ऐसे में जो गरीब उपभोक्ता है उसको भी यहाँ पर नुकसान होता है। इसमें और भी बहुत सारी हैं, पर्यावरण क्यों आवश्यक है, पर्यावरण सुरक्षा क्यों आवश्यक है, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारी प्रकृति के लिए आवश्यक है, हमारे रहन सहन के लिए आवश्यक है, हमारे धर्म के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, हमें ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है, हमारी इस प्रकृति के टेम्परेचर को बचाने के लिए आवश्यक है, प्रकृति की उर्वरक क्षमता बनाने के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हमारे पास जमीन तो है लेकिन उसमें उर्वरता नहीं है, उपजाऊपन नहीं है। क्यों? हमने
अम्लीय वर्षा को निमंत्रण दिया है, केमिकल्स बहुत ज्यादा डाल दिए, इसकी वजह से उसकी जो उर्वरता है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में खाद्यान्न की समस्या आएगी, आने वाले टाइम में खेती की समस्या आएगी, क्योंकि हमारे पास खेती के लिए जमीनें बची ही नहीं है। हमने जल का इतना ज्यादा दोहन कर दिया मशीनों के माध्यम से कि आने वाली पीढ़ियां जल के लिए तरसेंगी, उनके पास जल बचेगा ही नहीं पीने का जल। वैसे अगर देखें खारा जल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध जल की भी समस्या हमारे सामने आने वाली है।